वेरी गुड आफ्टरनून माय डियर व्यूअर्स। इस वीडियो में बात करेंगे कि जन्म तिथि से उम्र कैसे निकाली जाती है, इस बारे में सीखेंगे। ये बहुत से व्यूअर्स की डिमांड भी थी, बहुत से स्टूडेंट्स की भी डिमांड थी, तो इस वीडियो पे इसीलिए हम यहाँ पे इस टॉपिक पे इसीलिए वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो इसमें सीखेंगे हम कैसे जो है हम अपनी जो है उम्र ज्ञात कर सकते हैं, जन्म तिथि और जो आज की डेट है उसको लिख के। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें देखिए आपको क्या करना है, पहले दिन लिख लेना है, फिर माह, फिर वर्ष। पहले नंबर पे तो आज की डेट लिखेंगे, जिस तारीख तक आपको उम्र निकालनी है उस दिन की आप डेट लिखेंगे। जैसे कहीं पे लिखा रहता है 1 जुलाई तक, तो आपको उस डेट को वहाँ पे लिख लेना है, और उसके बाद नीचे आप लिखेंगे जन्मतिथि, ये ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसको माइनस कर लेना है। कैसे माइनस करेंगे, जब हम माइनस करते हैं तो हम एक्चुअली क्या करते हैं, हम यहाँ से इधर साइड से हम जैसे वंस टेंस ऐसे करके, तो हम इधर से हम माइनस का करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग रूल है, आपको यहाँ से माइनस करना है स्टार्टिंग से। तो कैसे करेंगे आप देखिए, पहले दिन को माइनस कर लेंगे, ठीक, ये देखिए 10 है, और 10 में से हमें 18 को माइनस करना है, तो छोटी संख्या है हमारे पास, तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कैरी वाला, कैरी मीन्स हासिल, हासिल बोलते हैं ना, हासिल करके आपने सुना होगा, एक हासिल करना तो अलग होता है किसी चीज़ को प्राप्त करना, ये हासिल का मतलब है कैरी, कितना कैरी कर रहा है, ठीक है, कैरी कितना ले रहे हैं हम यहाँ से। अब यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, ये महीना है तो 4 महीने हैं, तो 4 में से हम यहाँ पे 1 महीने को हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, 1 महीना यहाँ लेने का मतलब है चौथा महीना, यानी कि 4 महीने की बात करें तो चौथा महीना कौन सा होता है, अप्रैल का, अप्रैल का होता है, तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 दिन, तो 30 आपके इधर आप ऐड कर लेंगे, 30 + 10 आपके कितने डेज हो जाएंगे, 40 डेज हो जाएंगे, तो 40 में से आप हम डेज माइनस कर लेंगे, 40 माइनस हम करेंगे यहाँ पे क्या, 18। अब यहाँ पे हमारे पास 3 महीने बच जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 1 महीना हमने यहाँ ले लिया कैरी, ठीक है, हासिल ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 22 दिन कितने हो गए हमारे पास, क्योंकि 40 में से 18 माइनस किया तो 22। अब यहाँ पे आगे देखिए कैसे माइनस करेंगे, यहाँ तक तो हमारा हो गया, ठीक, अब यहाँ पे हम आगे करेंगे, 3 में से 7 हमको माइनस करना है, तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे 22 है, 2022 है, तो 22 में से हम 1 साल यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, ये वर्ष है, तो यहाँ पे हम 1 साल ले लेंगे, ठीक है, 1 साल का मतलब क्या होता है, 1 साल का मतलब 1 year = 12 months, 12 months हम यहाँ ले लेंगे, ठीक है, 3 months हमारे पास ऑलरेडी हैं, 12 + 3 कितना हो जाएगा, तो 15 months हो जाएंगे हमारे यहाँ पे, कितने मंथ्स हो जाएंगे, 15, यहाँ पे हमारा 22 आया हुआ था, ठीक, अब यहाँ पे 15 हो जाएगा, 3 + 12 कितना हो गया, 15 में से हमें 7 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, 8, तो 8 months हो गए हमारे पास। अब यहाँ पे हमने यहाँ से 1 साल ले लिया था कैरी, वहाँ पे हासिल ले लिया था, तो 21 हो जाएगा यहाँ पे। अब 21 में से हमें 92 माइनस करना है, ठीक है, 2021 में से 92 माइनस करना है, तो कैसे करेंगे, ये देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है, यानी कि 11 में से हमारे पास 2 जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 9 यहाँ पे बचेगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे 201 है, 201 में से 199 माइनस करिए डायरेक्ट आप, तो आपके पास कितना बचेगा, 229, तो कितना हो जाएगा, 29, तो अब ये जिसमें हमने लिया था इसमें क्या हो जाएगा, 29 years 8 months और 22 days, इतना हमारी इसकी जो है क्या निकल जाएगी, उम्र निकल जाएगी, जिसकी भी 18 साल 92 होगी, ठीक है। अब इसी को हम दूसरे तरीके से करेंगे, तो कैसे करेंगे, दूसरे वाले में अगर हमारे पास यहाँ पे देखिए आज की तारीख अगर हमारे पास होती यहाँ पे सपोज 20 होती, ठीक है, और ये महीना यहाँ पे 8 होता, तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं, फिर इसमें हमें कुछ नहीं करना है। देखिए 20 में से 18 जाएगा 2, ठीक है, और यहाँ पे 1 महीना हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे बात करें 2022 में से, तो आपका यहाँ पे 0, 12 में से आपको 202 में से 199 करना है, तो 3 यहाँ पे आपका आ जाएगा, तो ये देखिए 30 साल 1 महीना 2 दिन, इस टाइप से हमारा जो है इसकी जो आयु है, उम्र है, वो ज्ञात की जा सकती है। तो अगर ऊपर की संख्याएं हमारे पास ऑलरेडी बड़ी हैं तो तब तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ये बिना हासिल का है, इसमें हासिल नहीं लेते हैं, ठीक है, कैरी नहीं लेते हैं। अब दूसरा जो है हमारे पास, जो पहले मेथड में हमने किया था उसमें हासिल लेना पड़ता है, तो
उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और इस वीडियो से आप अपनी उम्र आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो। थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो।